नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 31,000 प्राथमिक जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा, साथ में आवेदन के बारे में, साथ ही रीट की हम आजीवन को लेकर ही बात करने वाले हैं। तो दोनों अपडेट को हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार TET को यहाँ पर आजीवन करने को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में CTET के बाद से UPTET भी आजीवन हो गया, तो यहाँ पे रीट को भी आजीवन करने के बारे में जल्द आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी कि CTET की तरह रीट का जो प्रमाण पत्र होगा ये भी लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार CTET को लेकर यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि सरकार के माध्यम से लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई है। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों के माध्यम से होने वाली TET परीक्षाओं को भी आजीवन किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर रीट करवाई जाती है। तो इस रीट को भी आजीवन करने को लेकर तैयारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। इसको लेकर जल्द जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिल सकेगा। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि अगली बैठक में इस प्रस्ताव के ऊपर जो मोहर है वो लगाई जा सकती है। इससे प्रदेश के लगभग 20 लाख से ज्यादा BEd और साथ में BSTC करने वाले अभ्यर्थी को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, जिसकी जानकारी आप सभी को यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। एक हाई लेवल की बैठक होगी और बैठक के अंदर इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। जैसे कोई अपडेट निकलेगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा, लेकिन संभावना ज्यादा है कि इस मुद्दे को लेकर आप सभी के सामने जल्द जो फैसला है वो लिया जाएगा और TET की तरह अब रीट को भी यहां पर आजीवन जा सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम बात करें रीट के माध्यम से होने वाली लगभग 31,000 पदों पर भर्ती के बारे में, जिसको लेकर लगातार इंतजार किया जा रहा है। परीक्षा 3 से 4 बार आगे बढ़ा दी गई है, कभी कोरोना का संक्रमण तो कभी आप सभी जानते हैं और भी तमाम समस्याओं के चलते हैं। उसी क्रम में यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि रीट की जो परीक्षा करवाई जाएगी, शिक्षा मंत्री के माध्यम से ट्वीट करके कहा गया है कि 26 सितंबर को आयोजित करने का जो फैसला है वो लिया गया है। साथ में उनके माध्यम से ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि इसकी जो आवेदन का मौका मिलेगा वो 21 जून से लेकर 5 जुलाई तक आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके बारे में जल्दी माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड के माध्यम से विज्ञप्ति जारी करके आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। मतलब 31,000 पदों के लिए पहले से ही 16 से 17 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन कर दिए थे, लेकिन EWS वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका नहीं मिला था। हालांकि इस ट्वीट के अंदर अभी स्पष्ट नहीं है कि कोई और भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल यहां कहा गया है कि EWS वाले छात्रों को 21 से लेकर 5 जुलाई तक का मौका मिलेगा। जैसी कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होती है उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि जो BEd BTC अभ्यर्थी हैं वो और भी आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो विज्ञप्ति आने तक आप सभी इंतजार करें। फिलहाल आपकी जो परीक्षा करवाई जाएगी 26 सितंबर 2021 को देखने के लिए मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस बार रीट की जो परीक्षा है वो हो जाएगी, क्योंकि पिछले 2 साल से इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।